बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने जायके मेरे घर के खाने में लेके आई हूँ, जिसमें आपको आज आलू के ज़ीरे वाले आलू और साथ में लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। ज़ीरे वाले आलू में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, उसके लिए मैंने पहले आधा किलो आलू लेके छील लिए थे और इन्हें मैंने सर्कल में काट लिया था। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। नमक आप इसमें हसबे जायका डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक काट ली थी वो है, और साथ में हम 2 इसमें पूरी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, वो इसमें डली हुई अच्छी लगती है। और इसके बाद ज़ीरा थोड़ा सा लेंगे और थोड़ी सी 2 से 3 दाने ये काली मिर्चों के भी हम डाल देंगे। ऑयल को आप पहले हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद इसमें ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा डालना है और ये काली मिर्चें। इसको ज़ीरे को थोड़ा सा भून लें। ऑयल गरम हो गया, इसमें आलू डाल देंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें साथ ही हम हाफ टी स्पून कुटी मिर्च क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च नमक आप इसमें हसबे जायका डाल सकते हैं, जितना आप लोग घर में यूज़ करते हैं। सब्ज मिर्चें जो मैंने काटी थी वो मैं अभी डाल दूंगी, बाकी ये जो 2 मैंने रखी थी ये मैं एंड में डालूंगी। और थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी कलर के लिए। ये आप नाश्ते में बनाएं, पराठे के साथ ही बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है ये। अच्छे से आलूओं को मिक्स करने के बाद आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक दें दम पे, ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। आलू हमने दम पे रखे हैं, इतने हम पराठे के लिए पेड़ा बना के रख लेते हैं। ये मैंने पेड़ा बना लिया था पहले। आप जैसे सिंपल हम बनाते हैं आटे का पेड़ा, वैसे बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये कैसे किस तरह से हम इसे करेंगे कि वो लच्छेदार पराठा बन जाएगा। हल्का हल्का आप इस पे घी लगा लें। इसको आप पहले छुरी के साथ या किसी भी चीज के साथ ऐसे काट लें, उसके बाद ये देखें इसको ऐसे आप कर लें सबको राउंड में।
उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे बढ़ाएं। इतने हम अपने आलू को चेक कर लेंगे। ये आलू तैयार हो गए हैं, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। लिट्टी के पराठे को बेल लें। उसके बाद मैंने अपना तवा गरम कर लिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाला है। इसको जब हम बेल लेंगे तो ये पराठा डाल देंगे। एक साइड से हो जाए तो फिर हम इसे चेंज करेंगे। ये आपको पराठे के ये जो बल हैं खुद नज़र आ रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। हम इसे एक साइड से ब्राउन करके उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी बिल्कुल सही तरह से ब्राउन कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार किस्म के ज़ीरे वाले आलू और साथ में लच्छेदार पराठा तैयार हो गया। ये देखिए आपको इसके सारे जो है ये नज़र आ रहे होंगे अलग अलग से, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो आप इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके सामने अपनी एक बहुत मज़ेदार किस्म की वीडियो लेके हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।